नमस्कार, मैं नरेंद्र चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार स्टडी कैपिटल में। एंड आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और उसी के साथ सीयूटी यूजी 2025 की तैयारी में एक नए जोश और उमंग के साथ जुट गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे ऑल अबाउट सीयूटी यूजी 2025, जिसमें हम बात करेंगे बीएससी बायोलॉजी डोमेन, उसका सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा और आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। इन सभी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। हम बात करते हैं कि जो आपका सीयूटी यूजी का एग्जाम है वो किस, उसका पैटर्न क्या रहेगा। तो उसमें देखिए आपका एग्जाम का मोड क्या रहेगा, मतलब कि आपका एग्जाम किस मोड में कंडक्ट कराया जाएगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो आपके सीयूटी यूजी का एग्जाम हाइब्रिड मोड में कंडक्ट कराया जाता है, मींस आपका जो ऑनलाइन सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या ऑफलाइन पेन पेपर बेस रहेगा, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करेगा कि आप एग्जाम सीबीटी ऑनलाइन देना चाहते हो या पेन पेपर ऑफलाइन देना चाहते हो, जैसे नीट का एग्जाम होता है उसकी तरह। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आपका जो सीयूटी यूजी का एग्जाम है वो किस लैंग्वेज में कराया जाता है, तो आपका सीयूटी यूजी एग्जाम मल्टी लैंग्वेज में कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें 13 लैंग्वेज हैं आपकी, जिसमें लाइक आपकी हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, वो आपके चॉइस पे सेलेक्ट करेगा कि आप पेपर किस लैंग्वेज में देना चाहते हो। तो आपकी 13 लैंग्वेज रहेंगी पेपर में, जो आप एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आपके बीएससी बायोलॉजी का जो पेपर है वो कितने हावर्स का रहेगा, मतलब एग्जाम का ड्यूरेशन कितना रहेगा, तो आपका जो बीएससी बायोलॉजी के लिए 45 मिनट का एग्जाम रहेगा। उसी के साथ अगर हम अदर डोमेन की बात करते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ, उनका डोमेन का पेपर 60 मिनट का रहता है, लेकिन आपके बायोलॉजी का 45 मिनट का रहेगा। अब हम बात करते हैं कि सीयूटी यूजी एग्जाम मतलब साल में कितनी बार कंडक्ट कराया जाता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जाम। तो आपको पता होगा कि सीयूटी यूजी का एग्जाम साल में ओनली वन टाइम्स कंडक्ट होता है। अब हम बात करते हैं कि आपके जो एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन है वो किस टाइप के देखने को मिलेंगे। तो आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे, एमसीक्यू बेस, यस। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आपके जो बीएससी बायोलॉजी डोमेन है उसमें क्वेश्चन के नंबर कितने रहेंगे, टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे, तो आपके पास क्वेश्चन तो आपको 50 देखने को मिलेंगे पेपर में, लेकिन आपको करने कितने हैं, 50 में से ओनली 40 क्वेश्चन। आप 10 क्वेश्चन को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो कि ये मुझे आता है या नहीं आता, उनके अकॉर्डिंग आप 40 क्वेश्चन कर सकते हो छांट कर। अब हम बात करते हैं कि जो टोटल बीएससी बायोलॉजी डोमेन है उसका पेपर कितने मार्क्स का होता है, तो आपको 50 में से 40 क्वेश्चन करने हैं, तो 40 में से जो आपका ईच क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का रहेगा, तो 40 × 5 = 200। तो आपका बीएससी बायोलॉजी डोमेन का पेपर है वो 200 मार्क्स का रहेगा। अब हम बात करते हैं कि मार्किंग स्कीम क्या है सीयूटी यूजी की, तो उसमें आपको बता दूं कि ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहता है जो आप अगर करेक्ट करते हो, और उसी के साथ अगर आप एक क्वेश्चन नेगेटिव करते हो तो उसके में आपका एक मार्क्स नेगेटिव कर लिया जाएगा, तो 5 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट क्वेश्चन। एंड आपका 1 मार्क्स नेगेटिव रहेगा फॉर इनकरेक्ट क्वेश्चन, यस। ये आपके एग्जाम पैटर्न की बात हो गई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि सीयूटी एग्जाम देने के लिए हमारे पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कि कौन इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल है, तो उसमें आपके देखिए पहले हम बात करेंगे कि आपकी एज क्या होनी चाहिए, कि सीयूटी यूजी देने के लिए कोई एज लिमिट है या इस एज से ऊपर वाले बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए सीयूटी यूजी एग्जाम में अपियर होने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपकी एज क्या होनी चाहिए। तो सीयूटी यूजी एग्जाम आप किसी भी एज में दे सकते हो, जैसे कि आपकी एज 15 साल हो या 30 साल हो, की कोई भी एज लिमिट नहीं है, तो नो एज लिमिट और सीयूटी यूजी एग्जाम। अब हम बात करते हैं कि आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए सीयूटी यूजी एग्जाम देने के लिए, तो इसमें देखिए
दो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होंगे। जो स्टूडेंट्स अभी मतलब 2024 में 12th क्लास चल रही है उनकी, मतलब 12th क्लास में है, 12th क्लास अपियरिंग स्टूडेंट्स, वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, जिनकी 12th क्लास की बोर्ड एग्जाम मतलब फरवरी या मार्च में 2025 में हो जाएंगी, वो इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल है। उसी के साथ जो आपके 12th पास हो गई, मतलब आप 12th पास आउट स्टूडेंट्स हैं, वो भी आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हो। ये बातें थी आपकी एलिजिबिलिटी के लिए कि सीयूटी एग्जाम देने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो उसमें आपके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, उसके साथ अगर आपकी 12th चल रही है अभी और 2025 में आपकी 12th बोर्ड एग्जाम हो जाएंगी तो भी आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। उसी के साथ अगर आपकी 12th पास आउट हो गई, मतलब जो 2024 में हो गई या 2023 में हो गई, तो भी आप सीयूटी यूजी एग्जाम दे सकते हो। अब हम बात कर रहे हैं कि जो हमारी बीएससी बायोलॉजी डोमेन है उसका सीयूटी यूजी के लिए सिलेबस क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपकी ओल्ड एनसीईआरटी थी उसी के जो 12th वाला, ओनली ओल्ड एनसीईआरटी 12th क्लास, उसकी जो बायोलॉजी की बुक है उसके जो चैप्टर थे 16, वही आपके जो सीयूटी यूजी बायोलॉजी डोमेन का सिलेबस है, जिसमें हम बात करते हैं जो फर्स्ट चैप्टर रहेगा आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसके बाद जो सेकंड चैप्टर है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फिर जो आपका थर्ड चैप्टर रहेगा कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसके साथ जो इसको बोल सकते हैं आप जेनेटिक्स, उसके बाद आपका सिक्स चैप्टर रहेगा मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, सेवन आपका चैप्टर होगा इवोल्यूशन, फिर आपका एट चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, नाइन चैप्टर रहेगा आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, एंड 10th चैप्टर है आपका स्टडीज फॉर इंक्रीमेंट इन फूड प्रोडक्शन, फिर आपकी जो ये रहेगी बायोटेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी, एंड ये आपके जो चार चैप्टर हैं लास्ट वाले वो रहेगा आपका इकोलॉजी से, इसको कंप्लीट रूप से इकोलॉजी बोल सकते हैं। तो जो आपकी ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें जो 16 चैप्टर हैं वो आपके सीयूटी यूजी का सिलेबस है, लेकिन जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें ओनली 13 चैप्टर्स हैं न्यू में, तो वो बोर्ड के बच्चों के लिए है ना कि आपके सीयूटी यूजी के लिए। तो न्यू में कितने हैं, 13 चैप्टर हैं, तो आपको टोटल 16 चैप्टर की प्रिपरेशन करनी है सीयूटी यूजी के लिए। यस, ये आपके सिलेबस के बारे में बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि जो आपका सीयूटी स्टडी कैपिटल है वो आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए बैच लॉन्च करने जा रहा है 2021 2025 के लिए, जो स्टार्ट हो रहा है आपका 21 सितंबर से, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी डोमेन पढ़ाऊंगा फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर, मतलब बेसिक से लेके डिटेल तक हम कंप्लीट स्टडी करेंगे सिलेबस की। तो देखिए, जो हमारा सीयूटी यूजी 2025 के लिए स्टडी कैपिटल लेके आया है आपके लिए कर्तव्य बैच, जिसकी आपकी प्राइस रहेगी 2999 रुपये, वो ऑफर प्राइस है जो 21 तारीख तक आपके लिए वैलिड रहेगी, उसके बाद आपकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो आप जल्दी से मतलब सिलेबस को या कोर्स को ज्वाइन कीजिए और उसके साथ आप प्रिपरेशन में जुड़िए। तो ये आप हमारी जो अनाउंसमेंट था कोर्स का वो है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अगर आप जैसे YouTube चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सीयूटी यूजी स्टडी कैपिटल पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और अगर आप सीयूटी यूजी की प्रिपरेशन करना चाहते हो, आप चाहे बीएससी के स्टूडेंट मतलब बायोलॉजी के हो, साइंस के हो, या आप आर्ट्स के हो, किसी भी सब्जेक्ट के हो, तो हमारे जो स्टडी कैपिटल है वो सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराता है। उसी के साथ अगर आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो प्रिपरेशन के लिए या कोर्स खरीदने के लिए। तो चलिए, आज के सेशन में हमने बात की है सीयूटी यूजी बीएससी बायोलॉजी डोमेन। तो आपको अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ थैंक यू।